सलामकुम नाजीन, मैं हूँ आसिफ जट। जफर अब्बास JDC वाले, उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है और क्या कमाल का काम किया है। मुझे तो इस बंदे की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। दी ऑस्ट्रिच नाम रखा कपड़ों के ब्रांड का। कह रहे हैं कि 2 iPhone भी गिफ्ट दूंगा जो इस ब्रांड को प्रमोट करेंगे, और साथ ही एक गाड़ी भी। तो जफर भाई ने अपना नाम दी ऑस्ट्रिच ब्रांड का इसलिए रखा कि ऑस्ट्रिच जो है वो जाहिर है शुतुरमुर्ग है, और शुतुरमुर्ग रमजान में जितना डिस्कस हुआ शुतुरमुर्ग, उतना तो रमजान के रोजे भी पाकिस्तानियों ने कराची में नहीं डिस्कस किया। भाई शुतुरमुर्ग, जफर शुतुरमुर्ग क्यों खिला रहा है, इतनी महंगाई है। तो जफर कह रहा है भाई आपको क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ है, मैं शुतुरमुर्ग खिला रहा हूँ, जिसके पैसों से खिला रहा हूँ आपको, उसको तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ है। तो शुतुरमुर्ग जो है वो उसकी वजह से जफर अब्बास बने तनकीद का निशाना, उसी नाम से ब्रांड खोला। अब जो शर्ट्स हैं उनके ऊपर शुतुरमुर्ग बना हुआ है, और जफर भाई अब एक ब्रांड के ऑनर भी हैं। अच्छा, अभी तक ये तफसीलात तो मेरे पास नहीं है कि इस ब्रांड से वो JDC को क्या सपोर्ट करेंगे या गरीबों का इसमें क्या फायदा होगा। अलबत्ता ये जरूर है कि ये ब्रांड अगर चलता है तो जफर अब्बास की अपनी जाती स्टैंडिंग जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। नो डाउट उनका काम तो बहुत ही नुमाया है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा तनकीद भी करते हैं, और कोई भी शख्स किसी भी फील्ड में, ईदी साहब को भी लोग तनकीद करते हैं, बाज़ औक़ात तो गाली गलौज भी दे देते हैं लोग, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहादुर आदमी है भाई, दिल वाला बंदा है, जिस चीज से आप चिढ़ाते हैं उसी चीज के नाम से उसने अपना ब्रांड बना लिया, और फिर अब देखते हैं कि उनका ब्रांड कैसा चलता है। अभी तक पंजाब में तो अवेलेबल नहीं है, तो जफर भाई से गुजारिश है फौरन से इसको आके पंजाब में भी खोलें। लोग तो खरीदारी करने के लिए, हमारे पास पैसे हो ना हो पाकिस्तानियों के पास, लेकिन शॉपिंग को हमने टिका के करनी है। तो ब्रांड बनाना एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है।